मुंब्रा पुलिस ने रात करीब 12:30 बजे के आसपास रशीद कंपाउंड के ईरानी इमामबाड़े पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में नशीला पदार्थ बरामद किया है। मुंब्रा नारकोटिक्स के PSI हरचंद काले और उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग यहां पर नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम रात में ही पहुँच गई, मगर नशा बेचने वाले लोग फरार हो चुके थे। पुलिस ने बोरियों में नशीला पदार्थ कफ सिरप कोरिक्स बरामद किया है। PSI अरशद काले ने बताया है कि जांच पूरी कर इन सभी लोगों की तलाश कर गिरफ्तारी की जाएगी। सारे इमामबाड़े का सामान रखा है उसी में सब अंदर लोग रखे हैं। हाँ या उजाले में आ जाओ बस। काले साहब, जिस तरह से आपकी लगातार जो है कोशिश रही है नशे को ख़त्म करने की और लगातार आपने कई सारे ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को जो है पकड़ा है, आज इस वक्त आप रशीद कंपाउंड में हैं, क्या क्या बरामद हुआ है और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? हम लोगों को इमामबाड़ा के अंदर ये जो अभी हम लोगों ने बाटले के कुछ बॉटल्स यहाँ से बरामद किए हैं, तो इसकी एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन थी हमारे गुप्त बातमीदार के तरफ से। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके रेड किया, सर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को काफ़ी माल मिला है। लेकिन जिस नाम से, मतलब जो नाम हमको पता चले थे कि कुछ 3-4 लोगों ने मिलकर ये माल यहाँ पे छुपा के रखा था, तो वो लोग यहाँ पे नहीं मिले। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की तो उन्होंने हम लोगों को देख के वो लोग यहाँ से भाग गए। हमने कोशिश भी की उनको पकड़ने की, लेकिन हम लोगों को, हमारे हाथ में माल नहीं था, तो हम लोगों ने उनको छोड़ के यहाँ पे आके ऊपर सर्च किया तो हम लोगों को यहाँ पे ये माल मिला है। तो अभी हम लोग ये इसकी जो आगे हमारे वरिष्ठ को इन्फॉर्म करके जो आगे प्रोसीजर करके कार्रवाई करेंगे, तो उसमें जो भी आरोपी यहाँ से फरार हुए उनका नाम डाल के आगे हम लोग जल्द से जल्द उनको पकड़ के आगे की जो है कार्रवाई करेंगे।